इस नाटक के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी व्यक्ति व घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कहीं ऐसा लगता है तो उसे मात्र एक संयोग ही माना जाए। इसका मुख्य किरदार रावण वास्तव में 5 विकारों रूपी माया का प्रतीक है। दशहरा पर सभी ने रावण का पुतला तो जला दिया, लेकिन क्या वास्तव में रावण जला? यदि रावण जल चुका होता तो फिर हर वर्ष उसे जलाया नहीं जाता। आइए कुछ ऐसे ही प्रश्नों का जवाब सुनते हैं एक लघु नाटिका के माध्यम से, जिसका शीर्षक है रावण का उपदेश, दिवाली का संदेश। मूर्ख समझते हैं कि रावण को जला दिया है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। सर्वव्यापी भाई, तुम कौन हो? तुमने ऐसा कौन सा चुनाव जीत लिया जो इतने ठाके लगाकर हंस रहे हो? हा, 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 हा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं लंकेश हूं। लंकेश लंकेश, तुम और यहां, तुम तो मारे जा चुके हो। मुझे मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं इस समय सर्वत्र व्याप्त हूं, तुम्हारे में भी मेरा ही वास है। लंकेश, फिर तो तुम मेरे लिए बड़े काम के हो, क्यों नहीं हमारी पार्टी में शामिल हो जाते? अरे मूर्ख, सभी पार्टियों में, सभाओं में, समाज में मैं ही मैं तो हूं। मुझे क्या शामिल करोगे तुम? मैं ही तो सबको लड़ाता हूं, धर्म के नाम पर दंगे भड़काता हूं, भ्रष्टाचार में, अत्याचार में, पापाचार में, इन सब आचारों में मेरे ही विचार तो मूल हैं। मुझे इन सब से अलग समझना, यही तो तेरी भूल है। हा 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 हा। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम राम नेताजी, आज किधर का दौरा हो रहा है और आज आपके साथ यह बहुरूपिया कौन है? पंडित जी, मैं तो पार्टी जा रहा था, लेकिन अचानक आज लंकेश से मुलाकात हो गई। लंकेश और यहाँ? नेताजी, लगता है आज सुबह सुबह ही लगाकर आए हो क्या? पंडित जी, हैरान हो गए हो मुझे देखकर। तुमने क्या समझा, रावण मर चुका है? रावण तो आज हर मानव के अंदर जिंदा है। तसानन, तुम तो श्री राम के हाथों मारे गए थे, फिर तुम फिर से जिंदा कैसे हो गए? पंडित जी, खा गए ना धोखा।
तुमने आज तक मेरे असली स्वरूप को नहीं पहचाना। मूर्खाधिपति रावण, मैंने सभी वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया है, मेरे से ज्यादा अपने बारे में तू खुद को भी नहीं जानता होगा। इसमें कोई शक नहीं पंडित जी कि तुमने बहुत अध्ययन किया है, लेकिन असली सत्य कुछ और ही है जिसे आप नहीं जानते। लंकेश, तो अब तू समझाएगा मुझे सत्य और असत्य के बारे में? तू तो प्रभु श्री राम को ही नहीं पहचान पाया, अरे मूर्ख, खुद तो मरा साथ में अपने सारे वंश को भी ले डूबा। देखा पंडित जी, जिस क्रोध में तुम बोल रहे हो ये भी मेरा ही रूप है। गुरुजी, गुरुजी, आगे बड़ा खतरा लग रहा है, बड़ी तेज तेज आवाज आ रही है। बड़बड़ानंद, तुम बड़बड़ाते बहुत हो, थोड़ी सी आवाज से ही घबरा जाते हो। अरे जहाँ चिंतानंद महाराज है, अरे वह किस बात की चिंता? गुरुजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन पिछली बार आप खुद ही कुत्ते को देखकर डर गए थे। गड़बड़ानंद, तुम तो जानते ही हो मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। गुरुजी, इसमें इंजेक्शन कहाँ से बीच में आ गया? तुम इतना भी नहीं जानते, अगर मुझे कुत्ता काट ले तो 14 इंजेक्शन जो लगवाने पड़ेंगे। गुरुजी बचाओ, अब तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। क्या हुआ बड़बड़ानंद? गुरुजी, सामने साक्षात रावण खड़ा है। अरे मूर्ख, रावण यहां कहां से आया? वो रामलीला का कोई एक्टर होगा? नहीं गुरुजी, वो तो सच का ही रावण लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है गुरुजी। हाँ गुरुजी, हाँ, ये तो पक्का रावण ही है, एक्टर भला भला ऐसे क्यों घूमेगा? आइए आइए महाराज, तुम भी मुझे नहीं पहचान पाए। मैं कोई रामलीला का एक्टर नहीं, बल्कि मानव के अंदर के ही 5 विकारों का प्रतिरूप हूँ, 5 विकारों का प्रतिरूप। असुराधिपति रावण, विकारों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो असुर हो असुर। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार मेरे ही स्वरूप हैं, जिन पर अभी तक तुम भी विजय प्राप्त नहीं कर सके। रावण, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तपस्या के बल पर मैंने अनेक सिद्धि प्राप्त कर ली हैं? इन सब को जीतकर ही तो मैं सिद्ध पुरुष बना हूं, और हाँ, अभी तो लोग मेरी पूजा भी करने लगे हैं। महात्मन, तुमने चाहे कितनी ही सिद्धियां प्राप्त क्यों न कर ली हो, लेकिन अहंकार की जिस भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो उसमें भी मैं ही समाया हुआ हूं। परंतु ये कैसे हो सकता है? हम तो समझते थे कि रावण त्रेता युग में हुआ, उसने माँ सीता का अपहरण किया, जिस कारण उसका अंत हुआ। मुनिवर, अगर रावण का अंत हो चुका होता तो क्यों फिर हर वर्ष उसका पुतला जलाया जाता? न तलवार की धार से, न तीरों की बौछार से रावण डरता है, तो सिर्फ शिव के प्रहार से। शिवोहम शिवोहम, इसका मतलब तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों से होगा। मायापति लंकेश, आत्मा तो शिव का ही अंश है, आत्मा सो परमात्मा,
हे अल्पज्ञ बुद्धिमानो, अगर शिव स्वयं तुम्हारे भीतर होते तो फिर तुम्हें तपस्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे मूर्ख, सर्वव्यापक परमात्मा नहीं रावण है रावण। सारे विश्व में मेरा एक छत्र राज्य है। ये सारी धरती एक टापू के समान है जो चारों तरफ से जल से घिरी है। चारों तरफ सिर्फ मेरा ही डंका बजता है। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाओगे? लंकेश, ये बताओ श्री राम ने फिर किस रावण का विनाश किया था? पंडित जी, श्री राम के राज्य में तो रावण प्रवेश भी नहीं कर सकता था। श्री सीता जैसी पावन देवी माँ का अपहरण तो छोड़ो, उन्हें रावण छू भी नहीं सकता था। राम राज्य के बारे में तो गायन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। फिर दुख देने वाला रावण वहां कैसे हो सकता है? मेरा जन्म तो द्वापर से हुआ है। रावण जी, रावण जी, एक बात पूछे आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे? निसंकोच पूछो बालक। रावण जी, आप मरते क्यों नहीं हो? क्या सच में आपने अमृत पिया है? नादान बालक, मैं तुम्हारी तरह कोई देहधारी नहीं हूं। मेरा कोई आकार नहीं है। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका ही आकार ले लेता हूं। अब तो मेरे में थोड़ी हिम्मत आ गई। मैं भी एक प्रश्न पूछूं रावण जी? हाँ हाँ पूछो बालक। लेकिन रावण जी, हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे अंदर रावण आ गया। बालक, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि तुम कौन हो। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान जाओगे उस दिन रावण तुम्हारे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्या हो रहा है? अचानक मेरी शक्तियां कमजोर क्यों पड़ रही हैं? कहीं स्वयं शिव इस धरती पर अवतरित तो नहीं हो चुके हैं? आ आ देखो तो जरा, रावण को ये क्या हो रहा है? अभी तक तो ठाके लगा रहा था, अचानक ये मौन क्यों हो गया? अरे भाई, ये तो कांप रहा है। लगता है गीता में दिए हुए अपने कथन अनुसार परमात्मा अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए कहीं अवतरित तो नहीं हुए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही समय है जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव दिव्य अवतरित हो अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा पुनः नई सत्युगी स्वर्णिम दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। वही निराकार परमात्मा राम आत्मा रूपी सीताओं को पांच विकार रूपी माया रावण के बंधन से मुक्त करने के लिए सत्य ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा आ चुके हैं और हमें पता ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? प्रभु, सारी जिंदगी मैं आपकी भक्ति करता रहा और तुमने बताया भी नहीं। बहन जी, मुझे कई बार ये अनुभव हुआ कि परमात्मा कहीं न कहीं जरूर अवतरित हो चुके हैं, लेकिन आज पता चला कि वो तो अपना कार्य पूर्ण भी करने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे आत्मिक भाई,
परमात्मा, जिन्हें हम दीपराज भी कहते हैं, पुनः सभी आत्मरूपी दीपकों को ज्ञान और योग से प्रज्वलित कर स्वर्णिम दुनिया में ले जा रहे हैं। इसी यादगार में ही तो आज तक हर वर्ष दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हे प्रभु, इतनी जल्दी मेरा ये साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रभु, अब तो दो युगों तक मैं आपके राज्य स्वर्ग से दूर रहूंगा। हे करुणा निधान, अब ये लंकापति रावण आपसे विदाई लेता है और आपके बच्चों को सच्ची दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। हे राम। शुभ दिवाली आ गई, दीपक जले दीपक जले, घर के आंगन द्वारे द्वारे अनगिनत दीपों के कैसे मंदिरे मंदिरे। शुभ दिवाली आ गई, दीपक जले दीपक जले।